Hello guys, good morning to all of you. This is Bagiraj here and now I am going to get discussed about the transformer. So, what is transformer? So, transformer is an electronic machine. It is an electronic machine which used for the conversion of voltage, like low voltage into high voltage, or high voltage into low voltage. And it based on the principle of mutual induction. और ये हम डिस्कस कर चुके हैं म्यूचुअल इंडक्शन. सो द ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ लो वोल्टेज इंटू हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज इंटू लो वोल्टेज एंड इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. सो दिस इज एन ट्रांसफर दिस इज अ ट्रांसफार्मर एंड इट इज इन टू टाइप्स. इट कैन ऑल्सो प्रिपेयर बाय द वाउंडेड large number of turns in a single prod like this. This is the primary and this is the secondary. यहां पर क्या है, एक ही प्रोड पर दोनों ही क्वायल वाउंडेड कर दी गई है, लपेट दी गई है. और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही प्रोड के अलावा इनको अलग अलग वाउंड किया जाए. जैसे ये प्राइमरी कॉइल है, और ये सेकेंडरी कॉइल है. इस तरीके से भी प्रिपेयर किया जा सकता है. सो ट्रांसफॉर्मर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द टू मेथड हियर, बोथ स्क्वायर वाउंडेड इन अ सिंगल क्रोड एंड हियर द बोथ स्क्वायर वाउंडेड इंडिविजुअली क्रोड. ओके, सो दीज आर द टू फिगर्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर बाय विच इट प्रिपेयर्ड. एंड ट्रांसफॉर्मर मोस्टली वर्क इन द टू प्रोसेस. फर्स्ट वन इज स्टेप अप एंड सेकेंड वन इज स्टेप डाउन. Okay, so let me discuss here. First of all, step up transformer. So it is a transformer which converts low voltage into high voltage. Okay. या आप ऐसा बोल सकते हैं, अगर लो वोल्टेज है तो हाई करंट होगा, या हाई वोल्टेज है तो इसको आप लो करंट भी बोल सकते हैं. सो दिस इज अ ट्रांसफार्मर विच कन्वर्ट्स लो वोल्टेज और हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज और लो करंट. एंड हियर द number of turns in secondary coil is greater than number of turns with the primary coil. यानी यहाँ पर जो secondary coil है उसमें number of turns primary coil के respect में ज़्यादा होते हैं. और ध्यान रखिएगा, जिनके number of turns ज़्यादा हैं जैसे secondary coil में, तो वो thick wire होंगे, thick wire. और जिसमें number of turns ज़्यादा हैं वो thin wire होंगे,
थिन वायर और जिसमें कम है वो थिक वायर होंगे। इस तरीके से ये होगा। तो इसको ऐसे प्रिपेयर करेंगे, दिस इज द प्राइमरी कॉयल एंड प्राइमरी कॉयल में कम नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये थिक इस तरीके से होंगे एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स, सो इट इज इन दिस वे, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज प्राइमरी, सो इट इज द स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। सो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इज अ ट्रांसफार्मर विच कन्वर्ट्स लो वोल्टेज इन टू हाई वोल्टेज एंड हियर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉयल इज ग्रेटर दैन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉयल, सो द प्राइमरी कॉयल द वायर विच यूज इन द प्राइमरी कॉयल इज थिक वायर एंड द सेकेंडरी कॉयल इज थिन वायर। ओके, सो ऑन द अदर साइड स्टेप डाउन इट इज अ ट्रांसफार्मर विच कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज इंटू लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज बोल सकते हैं या लो करंट भी कह सकते हैं, और लो वोल्टेज और हाई करंट भी कह सकते हैं। ओके, इस तरीके से बोल सकते हैं। और यहां पर क्या होगा कि अब प्राइमरी कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो सेकेंडरी से ज्यादा होंगे, एन पी इज ग्रेटर देन एन एस, सो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं, मीन्स थिन वायर होंगे, और इसमें कम है इसलिए ये थिक वायर होंगे। सो स्टेप डाउन जो होगा कुछ इस तरीके से होगा, प्राइमरी कॉइल में लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इस तरीके से, और सेकेंडरी कॉइल में लो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इस तरीके से। ओके, सो स्टेप अप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज अ ट्रांसफार्मर विच कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज, और हाई वोल्टेज और लो करंट कन्वर्ट्स इनटू लो वोल्टेज और हाई करंट, एंड इन दिस केस नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंडरी कॉइल, एंड इन दिस वे इट विल प्रिपेयर। सो हियर लेट मी डिस्कस हियर द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो फॉर द ट्रांसफार्मर। सो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इट इज डिनोटेड बाय आर एंड इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। ओके, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ओके, सो लेट मी कंसिडर हियर फॉर द प्राइमरी कॉइल ES or VS minus NP d phi upon dt and for secondary coil VS or E, sorry this is equals to primary and this is secondary, is equals to NS d phi b upon dt, so that R is equals to NS by NP. Due to this, this is first equation and this is second equation. Equation second divided by equation first. So NS upon NP, that is equals to d phi by dt. d phi by dt is equals to Vs upon Vp. So it can also written as NS by NP is equals to Vs upon Vp. Okay. So it is equals to NS by NP, that is equals to VS by VP, and for the ideal transformer there will no loss any power. Okay, for an ideal transformer average power in primary coil is equals to average power in secondary coil, that is equals to VP IP equals to VS IS, so VS upon VP, that is equals to IP upon IS, so by this equation, by equation third, R is equals to NS upon NP is equals to VS upon VP equals to IP upon IS. Okay,
In this way we will form the transformer ratio, transformation ratio in terms of number of turns, now and voltage and the current, okay. But it is impossible that there is no any loss, power loss in the transformer. Means average for an ideal transformer के लिए ऐसा हमने माना है, but ऐसा possible नहीं है क्योंकि कुछ ना कुछ power loss जरूर होगा, और वो power loss किस form में होता है? So write down the power loss in terms of flux leakage. Power loss होगा transformer में, number one is flux leakage, okay. Number two in terms of the form of eddy current, इसके form में भी power loss हो सकता है, okay. And hysteresis के form में भी power loss हो सकता है. So in this form there will form the power loss in the transformer, flux leakage, eddy current, hysteresis. It's okay.